हेलो दोस्तों कैसे हो मैं हूं सजीव वेलकम टू माय चैनल स्ट्रेटेजी तो दोस्तों अपने जो लास्ट वीडियो मेरा था उसमें बताया था मैक्रेस कार्लसन का और बॉब फिशर्स के बारे में जो उसके मेन किया था मतलब वो चेस चैंपियनशिप कितने समय में रखे थे ऐसे बहुत सारी बातें कर किया था अगर तुम लोग नहीं देखे होंगे तो देख सकते हो अगर नहीं जानते वो प्लेयर कौन है तो वो वीडियो देख सकते हो या फिर नेट में सर्च करके भी देख सकते हो उनका मैच बहुत ही बड़े बड़े है वो वैसे ही आज एक ग्रैंड मास्टर की बात मैं बोलने जा रहा हूँ इसका नाम है विश्वनाथन आनंद ये मेरा फेवरेट प्लेयर है हाँ नाम से शायद पता ही चल गया होगा कि ये इंडिया ने और या फिर जो जानते होंगे ये विश्वनाथन आनंद कौन है तो बढ़िया आनंद <laughs> एक इंडियन प्लेयर है और यह जब 2000 में क्या हुआ कि फिदा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुआ तो 2000 साल में ये जो अपने नाम में वो चैंपियनशिप कर लिया था और पूरे दो साल तक अपने पास ही रखा इसका जो मेन क्या है दोस्तों कि जो टाइटल ये जो टाइटल ये डिफेंड करने में बहुत ही बढ़िया था क्योंकि लगातार दो तीन साल ये जो टाइटल अपने पास रखा था एकदम मतलब जितने भी मैचेस हुए बहुत ही कम मैच वो जो एक क्या कहते हैं अरेना मतलब 2000 साल से 2004 या फिर उन्नीस से 1995 से 2004 तक बहुत ही बढ़िया गया विश्वनाथ आनंद के फिर दो साल थोड़ा सा डाउन हो गए उसके बाद फिर से अच्छा फिर से डाउन ऐसा होते रहते तो चलो कोई बात नहीं और हाँ ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये अपना इंडियन प्लेयर है और ही बिकेम the first grandmaster from India in 1988 and is one of the few players to have surfaced an ELO rating of 2800. One of the few, I mean, बहुत ही few. मतलब बस उसके आगे बस तीन player थे Gary Kasparov, Vidmir Karmanik और Vasilin Topalov जो 2800 cross किए थे. इस और इन तीनों के साथ साथ उसके बाद ये चौथा प्लेयर बना था जिसने टू एट जीरो पिक रेटिंग आई I मीन mean, जो क्लासिकल रेटिंग और जो रेटिंग बोलते बोल सकते हो इसको किया था, ये था, चार थे। उसके उस वक्त ये चौथा प्लेयर था जिसने ये कीर्तिमान अपने नाम पे रच दिए थे और ये जो फिदे वर्ल्ड रैपिड जो चेस चैंपियनशिप होते वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप के सब में ही इनके एक बहुत ही माह थे टू

क्या बताई टू में जब इसका सबसे अच्छा मतलब पोजिशन और जो नाइनटीन नाइनटी तक जो अच्छा ये जो एक टाइम चला गया था 2005 और अगर हम छोड़ दे तो ये इन समय में बहुत ही बढ़िया प्लेयर था पूरे विश्व में बहुत ही फेमस था और अभी भी है और ही वॉज अवॉर्डेड इंडिया सेकेंड हाई सिविलियन अवार्ड द पदमा विभूषण कैन यू बी ददमा विभूषण

इतनी उम्र में भी और शायद अभी भी करेगा तो इसके मैच आप देख सकते हो तो आपको पता चलेगा कि इंडियन प्लेयर है दोस्तों हमारी इंडिया के तो देख सकते हो इसका मैच बहुत ही बढ़िया प्लेयर है तो गाइस नाउ आई हैव टू टेल यू अबाउट गैरी कास्परोव लोग कहते हैं कि जो गैरी कास्परोव है ये पूरे चेस के हिस्ट्री में बेस्ट प्लेयर है कुछ और लोग कहते कि मैगनस कार्लसन है कुछ लोग कहते गैरी कस्परब है कुछ लोग कहते बॉबी फिशर है तो कुछ लोग कहते कोई लो आदर्श और प्लेयर लेकिन आज ये जो गैरी कस्परब किस बात के लिए इतना जाना जाता था अब मैंने थोड़ी देर पहले जिनके बाद मैंने बोला विश्वनाथ आनंद इसके साथ गैरी कस्पर का इतना मैच हुआ बहुत मतलब बहुत मैच हुआ था लेकिन विश्वनाथ आनंद केवल इतने

बाईस साल में अंदर इतना बड़ा जो कीर्तिमान रचा था उसके लिए उसके बहुत फेमस हुआ था और फिदी वर्ल्ड टाइटल जो 1993 तक इनके पास थे उसके बाद मतलब मतलब ये तब से लिया मतलब जो आनंद के पास से उसके बाद शायद आनंद लिया होगा ऐसा कुछ मतलब आनंद और ये जो गैरी कैसपर इसके बीच में उस वक्त बहुत से मैच हुआ था और दोस्तों ये जो गैरी कैसपर आई भी सुपर कंप्यूटर को इसने हराया था वो पहला मतलब उस वक्त जो आई सुपर कंप्यूटर थे बहुत ही

एक वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का मैच चल रहा था विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव के बीच में तो उस मैच में बहुत ही बढ़िया खेला था गैरी कास्परोव विश्वनाथन आनंद का जीतने का कोई चांस नहीं था पर एक ब्लंडर मैंने बोला था ना एक ब्लंडर पर मैच कर दे सकते हैं तो उस मैच में हर जाने के बाद फिर जो तो एक दो साल गैरी कास्परो का जो चला फिर धीरे-धीरे से उसका डाउन हो गया लेकिन गैरी कास्परो

अब तक बस मैग्नस कार्लसन के पास ही है और किसी के पास इतना अच्छा जो रिकॉर्ड वो नहीं है तो इससे अंदाजा सकते हो कि अंदर कितना बढ़िया प्लेयर है सो so गैस अब मैं मेरा जो तीसरा फेवरेट प्लेयर और मेरा यही लास्ट है मतलब और किसी के बारे में नहीं बोलना चाह रहा मैं इसका नाम है मिखाइल ताल जी दोस्तों मिखाइल ताल इसका नाम सुने होंगे आप अगर आप बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर मतलब खेले हुए बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं तो फिर आप मिखल ताल के नाम तो जरूर सुने होंगे क्योंकि बोला जाता है इससे भी अच्छे अच्छे प्लेयर हुए में अभी भी है लेकिन इसको किंग क्यों बोला जाता है इसे किंग बोला जाता है इसलिए कि ये बेस्ट अटैक के लिए तो बहुत ही जाना जाता है और टेरिंग और कॉम्बिनेशन स्टाइल इनके बहुत परफेक्ट है मतलब सोचो कि एक टैक्टिक्स तुम दिया गया है इसको मिखल ताल को और वहां से ये मिखल ताल क्या करते सबसे अच्छा मतलब उस वक्त ये मिखल ताल का जो सेक्रीफाइस जी दोस्तों सेक्रीफाइस इससे अच्छा सेक्रीफाइस वाला मूव पूरे चेस के दुनिया में कोई खेला ही नहीं है कभी और शायद कभी खेल भी नहीं पाएगा इतना अच्छा का इस his इसका हर एक माया सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो ये जो बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर के इनके जो वीडियोज है उसको मैं अपलोड करूंगा अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो मैं कल से मतलब नेक्स्ट डे से नेक्स्ट वीडियो से ही मिखल तल का एक वीडियो लाऊंगा तुम तो लोग देख सकते हो वहां पे दिखाऊंगा कि इसका कितना काउंट करने वाला होते है और कितना हार्ड होते क्योंकि अगर ये पीस डाउन हो गया है तो इसका मत मत सोचो की पीस डाउन है मत पीस डाउन हो गया है, तो मत सोचू की पीस डाउन है क्योंकि वो इसको दिया है सेक्रीफाइस वो दो तीन मूव के बाद फिर से एक पीस ले लेगा ले तुमसे मतलब ये इतना बढ़िया प्लेयर है सैक्रिफाइस के लिए ये बहुत जाने जाते हैं इसका जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड चेस चैंपियनशिप में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ये ज्यादा उतना मैच खेला नहीं है लेकिन जब खेला था आई I मीन mean, 1973 16 अक्टूबर से 19 सॉरी 23 अक्टूबर 1973 से 16 अक्टूबर 1974 तक इसका एक रिकॉर्ड था कि जो अनबीटेन रहना आई मीन पूरे 29 मैच जीते थे और 71 71 मैच ये ड्रॉ किए थे पर एक भी मैच ये हारा नहीं था सोचो सॉरी 95 गेम में 46 में जीते थे और 49 मैच ड्रॉ किए थे पर ये मैच हारा नहीं था तो इसका रिकॉर्ड सबसे बढ़िया था लेकिन फिर आके 2017 में वही रिकॉर्ड तोड़ दिया डिंग लेनेंस ने उससे पहले ये रिकॉर्ड था मिखेल ताल के पास और मिखेल ताल जो ये जो इतना अच्छा अटैकिंग इतना अच्छा मैच विनिंग कैसे कर लेते हैं अगर कुछ ब्लैंडर मिखेल तल दे भी दिया तो उसे कैसे कंट्रोल करना है वो मिखेल तल से अच्छा शायद कोई नहीं कर पाते और इसका सैक्रीफाइस तुम देख सकते हो इसको चेस में एक और नाम से जाना जाता है वो है मैजिशियन यस ये मजिशियन है रहेगा ऑल टाइम रहेगा वैसे वो जिंदा तो नहीं है पर फिर भी चेस का मजिशियन

उमेन चेस मास्टर है उसके बाद आ, विदमेरी पुटीन ये बहुत सारे है प्लेयर है और नेक्स्ट वीडियो से मैं ये जो ग्रैंड मास्टर्स का कुछ इंटरेस्टिंग कुछ परफेक्ट कुछ ऑसम कुछ इम्पोर्टेंट मैच का एनालिसिस करके मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ तो देख के बताना कि कैसा लगा वो कैसा लगेगा वो एनालाइज और कैसे लगेगा वो मूव्स कि केमिकल तेल का सेक्रीफाइस के अटैकिंग मैगनेस कल्सन का मिडिल गेम विश्वनाथ आनंद का नाइट एंड बिशप्स कॉम्बिनेशन बॉबी फिशस का नाइट एंड रूप कॉम्बिनेशन कैसे लगेगा तो आज के लिए दोस्तों बाय बाय टेक केयर